रिवीजन ऑफ आई हैव अ लिस्ट विद द एलिमेंट्स 10 कॉमा 15 कॉमा 20 कॉमा 25 कॉमा 30 देन आई यूज द इंसर्ट मेथड ऑफ लिस्ट एंड एट पोजिशन थर्ड आई एंटर द एलिमेंट फोर्थ देन अगेन आई टुक द इंसर्ट फंक्शन एंड एट इंडेक्स टू आई इंसर्ट थर्ड एलिमेंट नाउ आई वुड लाइक टू प्रिंट द एलिमेंट विच इज लाइंग एट माइनस फाइव इंडेक्स ओके Division question one. All of you, please pay attention here on the LCD. Let me solve the working notes of and options are options given are A option is 2, B option is 3, C option is 4. And D option is 20. 2, 3, 4, 20. These are the four options which have been given to you with respect to the multiple choice question. We are to solve it. Jab humne first insert method chalaya, at index 3, I added element 4. So my list becomes 10, 15. 0, 1, 2, 3, 4, comma 20, comma 25, then 4, then 30. फोर कॉमा 25 कॉमा 30 उसके बाद अगेन द इंसर्ट मेथड वॉज यूज एंड एट इंडेक्स टू आई इंसर्ट थर्ड 10 कॉमा 15 कॉमा 3 कॉमा 20 कॉमा 4 कॉमा 25 कॉमा 30 सो दिस इज द न्यू लिस्ट नाउ We have to print the element which is lying at minus 5 index. Minus 5 is the backward indexing. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. 3. So as per the observation, which option is suitable? B option. Am I clear to all? We can run this question on the PC also. Check it out. 3 is the answer. Okay. All right. Now moving over to the next MCQ. I have I equal to 1 while true. If I modulus 2 equal to 0. Break print I plus equal to 2. Your options are A option is 1, B option is 1 space 2, C option is 1, 2, 3, 4, 5, 6. And D option is 1,
3, 5, 7, 9, so on. Let us solve it. In the beginning, I equal to 1, while true. While true means till the value is non-zero. Till the value is non-zero. So we came inside the for loop. I is 1. 1 modulus 2 0 hota hai? Nahi. To break nahi chalega. Print I. I kya print ho gaya? 1. I get printed to 1. Okay. Then I plus equal to 2. I becomes 3. While true, is 3 non-zero? Is 3 non-zero? Non-zero, non-zero hi hai. Again, we came inside. 3 modulus 2, 0 hota hai? Nahi. To 3 print kara diya. Again, 3 ke andar 2 add kiya, 5. Ye kya ho raha hai? Har baar 5 ki series bani ja rahi. Odd number ki series bani ja rahi. Every time odd series is generated. और कोई भी ऐसा इंस्टेंस नहीं आएगा जहां पे व्हाइल लूप फेल हो जाए. व्हाइल लूप तब फेल होगा अगर कोई जीरो वैल्यू आ जाए. तो जीरो कभी आनी ही नहीं, क्योंकि हर बार आई में टू ऐड हो रहा है और ऑड नंबर की सीरीज बनी जा रही है. सो इट विल गो इनफाइनाइट. दिस डी ऑप्शन इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन. डी ऑप्शन इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन. Am I clear to all up till here? ये देखो इनफिनिट चली जा रहा है वो. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. I have taken a dictionary and please backbenchers pay attention to the revision part. मैंने एक डिक्शनरी ली है जिसमें की वैल्यू पेयर्स है और मैं नॉर्मली उस डिक्शनरी को प्रिंट करवा रहा हूं. ठीक है, got it? अब मैंने क्या किया, I am taking one new dictionary. ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है. और मैंने ये जो नई डिक्शनरी क्रिएट की है, I applied, please look at LCD all of you. I created one new dictionary by using the copy method of dictionary. और मैंने अपनी ओरिजिनल डिक्शनरी की कॉपी क्रिएट की है. सीधी बात अगर मैं बोलूं, आई हैव ओल्ड डिक्शनरी, आई क्रिएटेड द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डिक्शनरी एंड आई गिव इट द नेम न्यू. फिर मैंने उसके बाद न्यू को प्रिंट करवा लिया, राइट? जो न्यू डिक्शनरी है दैट इज द कॉपी ऑफ ओल्ड डिक्शनरी, राइट? जो उसकी कॉपी बनाई, उसकी कॉपी की नंबर 1 मैंने अपडेट कर दी.
अच्छा पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, ये मैं असाइनमेंट कर रहा हूं डिक्शनरी में, कैन आई मेक असाइनमेंट इन डिक्शनरी, कैन आई इंसर्ट, कैन आई असाइन द अपडेटेड वैल्यू इन प्लेस, उसी जगह पर मैं चेंज कर सकता हूं, इज असाइनमेंट पॉसिबल इन डिक्शनरी? गौरव सेज नो, अनुष्का सेज नो, एनीवन हु से यस इट इज पॉसिबल, भवनीत सिंह इट इज पॉसिबल बिकॉज डिक्शनरी इज म्यूटेबल इन नेचर, लिस्ट और डिक्शनरी दोनों म्यूटेबल है, दोनों में असाइनमेंट पॉसिबल है. नाउ टेल मी लॉजिकली, न्यू इज द कॉपी ऑफ ओल्ड, आई हैव मेक चेंज इन द कॉपीड डिक्शनरी नॉट इन द ओरिजिनल, विल इट अफेक्ट द डिक्शनरी विच इज ओरिजिनल? Why the change made in the copy will not reflect in the original? ये मेरी एक डिक्शनरी थी, मैंने इसकी कॉपी बना के, ये उसकी कॉपी है, कॉपी में जो चेंज किया, does it affect the original? Why? Difference क्या है? वो उसी की कॉपी है. मतलब कॉपी में जो चेंज करोगे इट विल नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल. अब ये कहना चाहते हो, हाउ मेनी वॉन्ट टू गो विद दिस कॉन्सेप्ट? ओनली थ्री. बोलने में तो सारे बोल रहे थे, हाथ से तीन ने खड़े किए. हाउ मेनी वॉन्ट टू गो विद दिस कॉन्सेप्ट कि ओरिजिन की कॉपी में किया चेंज ओरिजिनल को इफेक्ट नहीं करेगा? आई एम सेइंग हाउ मेनी वांट टू गो विद दिस कॉन्सेप्ट कि हां हम सही हैं. वी आर पार्शियली करेक्ट, वी आर पार्शियली करेक्ट. सबसे पहले डिक्शनरी का एक रूल याद रखो, कीज आर ऑलवेज इम्यूटेबल. सॉरी, द की ऑफ द डिक्शनरी कैन नेवर बी म्यूटेबल, द की ऑफ द डिक्शनरीज कैन नेवर बी डुप्लीकेट. वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट, वैल्यूज कैन बी म्यूटेबल और इम्यूटेबल, नो प्रॉब्लम. द कीज ऑफ द डिक्शनरी इज ऑलवेज इम्यूटेबल. सुन लो ट्वेल्थ क्लास, सुन लो. अब सबसे पहले आप ये चेक करो आपकी वैल्यू क्या है. 2, 3, 4, 5 न्यूमेरिक, न्यूमेरिक वैल्यू है. इंटीजर वैल्यू है. इंटीजर क्या है? इम्यूटेबल डेटा टाइप. अगर आपके डिक्शनरी की वैल्यू इम्यूटेबल है, इफ द वैल्यू ऑफ योर डिक्शनरी is immutable, then copy made using the copy method will not create any effect on the original. You created a copy of the dictionary and whatever changes you made in the copy, they won't affect the original because the value of the dictionaries are immutable. Ab whatever change you have done, the change will not be reflected back in the original. This was old dictionary, this was new dictionary, again I printed the old dictionary and this is the new dictionary. New dictionary mein one key ki value dekho, bas likh lo pehle aap. I can stop my lecture, you first write down.
स्टोरीज क्रिएट कर लो पहले, टीचर क्या समझा रहा है उस पर फोकस नहीं है, पहले स्टोरीज बना लो अपनी। प्लीज कंटिन्यू राइटिंग। यू मे और यू मे नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बट नोटिंग डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम आई राइट? You are using copy method to create a copy of the dictionary. Whatever change you will make in the copy will not reflect in the original, only in the situation where the values of the keys are immutable. Got it? Now see here. Now the value of the list is mutable, of dictionary is mutable or immutable? Tell me. Mutable. The value of the dictionary is now mutable. I create the copy. I print the new copy. Now what I did, I make changes in the key by adding one new value, why I have taken the append function over here? Because the value is of list type. And if you want to add any element in the list, you have to use the append method. Now tell me, will change made in the new copy will affect the original? Yes, it will affect. Check it out. This was my original new dictionary, jo copy create ki thi. Copy mein jo bhi change kiya, that affect the original. Am I clear to all? So, in brief, I repeat the concept. Copy created in the dictionary using the copy method always create the shallow copy of the dictionary. The copy method always creates a shallow copy of the dictionary. Now you have to check whether the value is immutable or mutable. If your values of the key, we have key value pairs now. Agar key ki value immutable hai, to copy mein kiya hua change original ko affect nahi karta. But if your value is mutable, then whatever change you have done in the copy, it will affect the original. Is this concept clear to everyone? Okay. Let's proceed to the next question. I have a variable x with the value 1, 2, 3, 4. I say for I in X and I say print I. Options are A option 1, 2, 3, 4, B option 1, 2, 3, 4, C option error, and D option is none of the above.
int object is not iterable. Python generates error. आपका जो x वेरिएबल है इट इज होल्डिंग एन इंटीजर वैल्यू एंड इंटीजर वैल्यू इज नॉट आइट्रिएबल वैल्यू यू कांट पुट इट अंडर द आइट्रिएशन क्योंकि आप स्टेप बना दो राइट सो हेयर पाइथन रेजेस द एरर क्लियर ओके आई हैव अ फाइल मेरे पास एक फाइल है जिसमें डाटा ये पड़ा हुआ है आई हैव ईटन बी प्लम्स दैट वर इन द आइस बॉक्स इफ आई एम टेकिंग दिस कमांड डाटा इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन्स एंड आई प्रिंट द लेंथ ऑफ द डाटा व्हाट वैल्यू विल कम ए ऑप्शन इज 13 बी ऑप्शन इज 10 सी ऑप्शन इज 4 And D option is 46. So please let me know your answers. I have used the read lines function and I put the corresponding information in the variable data. Then I print the length of the data. What will be your answer 4 it will count the number of lines 1 2 3 4 am I clear to all okay